मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो लास्ट क्लास में क्या स्टडी किया था हम लोगों ने? लास्ट क्लास में हम लोगों ने अपना चैप्टर नंबर फर्स्ट जो रनिंग में था, कंप्यूटर मेमोरी एंड स्टोरेज, वो चैप्टर हम लोगों ने एज अ रीडिंग पोर्शन, ओके, एज अ रीडिंग पोर्शन हम लोगों ने उसे कंप्लीट कर लिया था एंड समझा था कि उस चैप्टर में क्या बताया हुआ है हमें, ओके। नाउ व्हाट वी विल डू इन दिस क्लास, अब इस क्लास में क्या करेंगे कि जो चैप्टर हम लोगों ने स्टडी किया है, ओके, उस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, ओके, उनको किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, किस तरीके से वर्क करेंगे, वो हम लोग अपनी इस क्लास में स्टडी करेंगे, ओके। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन आंसर्स ऑफ चैप्टर फर्स्ट, ओके। चैप्टर फर्स्ट के क्वेश्चन आंसर्स हम लोग स्टार्ट करते हैं, ओके। ए, टिक द करेक्ट आंसर्स, क्या करना है, ये जो फॉलोइंग क्वेश्चंस हैं, इनमें जो ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं, इनका हमें आंसर लिखना है, ओके। सो 1 kilobyte इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डैश बाइट्स की 1 kilobyte, 1 KB किसके इक्वल होता है, 1 KB इज इक्वल टू 1024 या 1024 bytes, ओके, 1 KB इज इक्वल्स टू 1024 bytes, ओके, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, विच ऑफ दिस इज वोलेटाइल मेमोरी, कि रैम, रोम एंड सीडी में से वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है? सो रैम इज ए वोलेटाइल मेमोरी, रैम क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये क्या है, वोलेटाइल मेमोरी, एंड रोम रीड ओनली मेमोरी इज नॉन वोलेटाइल मेमोरी, ओके, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। थर्ड, सेकेंडरी मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज डैश मेमोरी, परमानेंट, रैंडम, एक्सटर्नल, कि सेकेंडरी मेमोरी को और कौन सी मेमोरी कहा जा सकता है, सेकेंडरी मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज एक्सटर्नल मेमोरी, ओके, कौन सी मेमोरी कहा जा सकता है, एक्सटर्नल मेमोरी। फोर्थ क्वेश्चन, नेम द सीडी ऑन विच डाटा कैन बी इरेज्ड और री रिटन मेनी टाइम्स, की फॉलोइंग में से कौन सी मेमोरी है जिसमें के डाटा जो है वो रीड भी किए, मतलब इरेज भी किए जा सकते हैं और वापस भी लिखे जा सकते हैं। सो सीडी रोम में क्या होते हैं, इसमें कोई भी डाटा इरेज नहीं किया जा सकता, ओके। सीडी आर में क्या होता है कि इसमें डाटा स्टोर हो जाते हैं पर वंस टाइम के लिए, ओके, बट सीडी रोम में क्या होता है कि इसमें हम डाटा को बार बार लिख भी सकते हैं और इरेज भी कर सकते हैं। सो CDRW इज द करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ, ए फ्लैश डिवाइस नीड्स टू बी प्लग्ड इनटू द डैश ऑन ए कंप्यूटर, कि आपके जो फ्लैश डिवाइस जो है, ओके, पेन ड्राइव जो है, आपको उसमें उसको किस चीज में प्लग करके कंप्यूटर में प्लग करना पड़ता है, USB पोर्ट, प्रिंटर या माउस, सो आपको कहां प्लग करना पड़ता है उसे, यू शुड प्लग ऑन USB पोर्ट, ओके, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट बी, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स, फॉलोइंग स्टेटमेंट्स में ट्रू के लिए टी राइट डाउन करना है, फॉल्स के लिए एफ, ओके। फर्स्ट, प्राइमरी मेमोरी यूज टू होल्ड डाटा परमानेंटली, प्राइमरी मेमोरी में आप डाटास को परमानेंटली स्टोर कर सकते हो, दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, ओके, ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स, क्योंकि आप प्राइमरी मेमोरी में डाटा परमानेंटली स्टोर नहीं कर सकते, आप उसे फॉर अ शॉर्ट टाइम या टेम्परेरी स्टोर कर सकते हो, दिस स्टेटमेंट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, ओके। क्वेश्चन सेकंड, कंटेंट्स ऑफ द रोम कैन नॉट बी चेंज्ड, कि रोम रैंडम, सॉरी रीड ओनली मेमोरी में जो भी कंटेंट्स जो होते हैं आप उन्हें चेंज नहीं कर सकते,
सो बेटा वी कैन चेंज, अगर हम पावर ऑफ हो जाता है तो भी हमें रोम में जो भी कंटेंट्स हैं वो हमें रीगेन हो जाते हैं. ओके, सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ए फॉल्स स्टेटमेंट. ओके, नेक्स्ट थर्ड, डाटा वंस स्टोर्ड इन अ फ्लैश डिवाइस कैन नॉट बी रीच्ड. दिस स्टेटमेंट इज अ ट्रू स्टेटमेंट. ओके, जब हम करना चाहें तो अलग मैटर होता है, वरना नहीं इरेज होता. ओके, फोर्थ, RAM, RAM stand for random accept memory. Random accept memory. So बेटा वो expect नहीं होता, access होता है. ओके, वो accept नहीं होता, क्या होते हैं? Random access memory. So this statement is also false. ओके, next, fifth, 1 megabyte is equal to 1024 gigabyte. 1 MB is equal to 1024 GB. This statement is a true statement. ये statement क्या है? True है. Okay? Homework में क्या करना है आपको? These question A and B. Okay? A और B question जो है वो तो आपको अपने fair notebook में write down करने. Question D जो है, uncircle the odd one out, give reason. क्या करना है? इनमें जो भी सबसे ओड लगती है ना आपको, ओके, ओड मतलब इनमें से जो भी डिफरेंट है आपके लिए, इनमें से जो भी डिफरेंट है वो आपको आउट करनी है, एंड आप मतलब सर्कल करना है उसके, एंड आपको बताना है कि ये ओड क्यों है. ओके, इसका आंसर बताना है आपको, रीजन देना है कि ये इन सबसे डिफरेंट क्यों है. ओके, सेम ऐसा ही इसमें आपको करना है. ओके, एंड फर्दर क्वेश्चंस वी विल डू इन आवर नेक्स्ट क्लास. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, इफ यू हैव एनी डाउट, यू कैन आस्क, यू कैन सॉल्व दैट. ओके, बाय.